मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, अब पूरा घर हम लोग कमा रहे हैं, जिनकी पढ़ने की उम्र है वो भी काम कर रहे हैं। क्यों को तालीम हासिल नहीं कर सकते, इतने अखराजात के अंदर हम कैसे तालीम दिलवाएं उनको, नहीं दिलवा सकते। आप जा तो बच्चों का पेट का कर लें, और ये तो सिर्फ मेरा एक का मसला हो गया, इस तरीके से लाखों करोड़ों अफराद जो होंगे वो किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे होंगे। इम्पोर्ट पेपर छोड़ते लोकल पेपर भी उसी हिसाब से महंगा हो रहा है, जबकि लोकल पेपर के लिए पल्ट जो केमिकल आता है वो बाहर से आता है, उसके व्यापार पर हमारे पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग पेपर प्रोडक्शन वालों ने उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए, अपनी पेपर के 3 गुना 4 गुना रेट कर दिए, कारोबार बहुत सारा असर पड़ा है, लेकिन पब्लिशिंग किताबें प्रिंट छापने से कासिर हो गए। अब जो किताब 100 रुपये या 150 पैज होती थी वो 350-400 पैज में जा रही है, तो किस बच्चों की स्टूडेंट्स की खुदें खरीद कहाँ से होगी। लोकल किताब भी प्रिंट होती थी जो मेडिकल इंजीनियरिंग की, वो भी अब बड़ी कॉस्ट जो हम 200-300 रुपये तो वो 500-600 रुपये प्राइस हो गई। बहुत से दुकानदारों को सुनने में आ रहा है बंद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। इस वक्त जो है मेरा ख्याल है तकरीबन 20-25% जो लेबर है वो बेरोज़गार हो गई है, काम कम हो गया है ज़्यादा, जब काम कम हो गया तो लहर बिठा के कोई भी तनख्वाह नहीं दे सकता, तो और हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब कोरोना के अंदर भी कहा गया था कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं है। इवन ये कि बड़े लोगों को तो कर्ज़े भी मिल जाते हैं, हम छोटे प्रेस वालों को या छोटी इंडस्ट्रीज को कर्ज़े भी नहीं मिलते, तो बेरोज़गारी इस वजह से बढ़ रही है।